500 पेटी शराब व 7 लाख रुपए नगद के साथ अंतरराज्यीय माफिया गिरोह गिरफ्तार। प्रयागराज में 900 पेटी शराब व 7 लाख रुपए नगद के साथ अंतरराज्यीय माफिया गिरोह को थाना प्रभारी नैनी जितेंद्र कुमार सिंह व एसओजी नारकोटिक्स प्रभारी महावीर सिंह के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर नैनी जेल के पीछे खंडहर पर अंतर्राज्यीय शराब माफिया गिरोह द्वारा अवैध शराब बिक्री की जा रही है, जिनके पास से एक ट्रक व एक कार से 900 पेटी अवैध चंडीगढ़ निर्मित राजधानी विस्की शराब बरामद की गई, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 70 लाख रुपए से ऊपर है, जिनको नैनी पुलिस ने चारों अभियुक्तों आशु गुप्ता पुत्र रामलाल गुप्ता निवासी अंबाला हरियाणा, अनिल कुमार पुत्र रंजीत सिंह निवासी पानीपत हरियाणा, दीपक कश्यप पुत्र उमेंद्र सिंह निवासी सोनीपत हरियाणा, भरत भाई पटेल पुत्र बाबू भाई पटेल निवासी गुजरात हाल पता जॉर्ज टाउन प्रयागराज को गिरफ्तार कर कब्जे से 10 चक्का ट्रक 900 पेटी अवैध शराब, 1 कार, 5 मोबाइल, 6,70,000 रुपए नगद बरामद कर अग्रिम कार्यवाही की गई। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से जिला क्राइम ब्यूरो रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। ये अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा, कई लोग शराब पी करके यहाँ पे मर गए थे, और कहाँ से शराब पाए क्या इसकी विवेचना चली रही है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ डीआई साहब और अन्य वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे सीनियर्स हैं, उन लोगों ने कहा कि इस पर अपनी टीम को लगा करके और कार्रवाई कराइए, कहीं पे शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। जिसके मद्देनजर नारकोटिक्स की टीम को लगाया गया था, और नार्को टीम जो हमारी है ये अपने सुरागरस जो इनके एजेंट्स थे उनके साथ, और नैनी की जो टीम है इंस्पेक्टर नैनी, इन सब लोगों ने मिल करके जब सूचना मिली, ये पता चला कि नैनी के पास जो जेल में खंडहर के पास कोई गाड़ी साइड में लगा करके और वहाँ से दारू की बिक्री कर रहा है, तो इस पर इन लोगों ने उस ट्रक पे दबिश डाल करके जब चेक किया तो पता चला कि पूरी ट्रक करीब 900 पेटी उसमें और 4,000 से ज़्यादा शीशियाँ, जिनका करीब 70 लाख की कीमत है आजकल मार्केट में, तो वो शराब वहाँ से वो लोग बेच रहे थे। ये चुनाव और होली के मद्देनज़र इन लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे दारू मंगा रखा था, और इनके पास से करीब 6,70,000 रुपए जो गिनती करी इन लोगों ने, इतना रुपया भी बरामद हुआ, जिससे लग रहा था कि ये लोग कुछ दिनों से वहाँ पे छिपा करके गाड़ी साइड में करके ये दारू बेच रहे थे, और पूरे क्षेत्र में इनका जो काम चलने वाला था, जिसमें हरियाणा के 5 लोग पकड़े गए हैं। उसमें एक लड़का जो है यहाँ पर जॉर्ज टाउन में किराए पर मकान लेकर के रह रहा था, और ये लोग कहाँ कहाँ पे काम कर रहे थे, किसको किसको इन्हें बेचना था, पूछताछ से और चीज़ें लोग क्लियर कर रहे हैं। इनमें 2 लड़के हैं जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, और इनके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं। इस ग्रोह में क्या कोई लोकल आदमी का भी टच है? इसमें है उस जो विवेचना का बिंदु है, उसको हमारे इंस्पेक्टर नैनी और जो हमारी नारकोटिक्स टीम है ये लोग इसको ढूंढ करके निकालेंगे।